Hi everyone, welcome to a new vlog. So today I'm going on a picnic with my parents and right now I'm waiting for them to pick me up. And ये जो vlog होगा जितना हो सके हम ऐसे ही vlog करेगा बात करते हुए camera के सामने में, because I'm too lazy to do voice over later. And गाड़ी के अंदर काफ़ी बुरा हाल हुआ मेरा, हेडेक हो रहा था और वॉमिटिंग भी. पता नहीं क्यों ऐसा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि यूजुअली हमको ये प्रॉब्लम तब होता है जब हम खाली पेट ट्रैवल करते कहीं भी. पर उस दिन हमने ब्रेकफास्ट किया था अच्छे से, पर फिर भी हमको ऐसा फील हुआ और इसीलिए हम बाहर निकल गया थोड़ा हवा लेने के लिए, इस उम्मीद में कि हवा खाकर हमको थोड़ा अच्छा महसूस हो. और असल में भी हुआ हवा खाने के बाद, और क्योंकि इसके बाद हमको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ और हम अच्छे से गया पूरा गाड़ी में. और यहाँ पे हम लोग इंतज़ार कर रहा था बाकी लोगों का जो हम लोग के साथ आया था गाँव से, और वो लोग भी यहाँ पर पहुँच गया था. वाह. So we have reached the spot Musak Singh. Correct me if I'm wrong. Papa, कपड़ा में लग गया होगा. फोटो जो मैं ये टैशिम गई जो ना रोक तक चलो सा यहाँ बैठू बोलेगा माँ. और बस तीस ना या अरे अरे एम्बुलेंस करने जा रहे हम लोग. अभी हो गया ना हाँ. लौटते वक्त हम लोग गुस्सा छले पाम थोड़ा देर के लिए, और यहाँ पर एक दुकान है था और यहाँ से ख़रीदा ये, इसको हम लोग पहनते हैं शिंका के साथ
जो हम लोगों का ट्रेडिशनल अटायर है उसके साथ मेरे लिए ख़रीदा ये। और उसके बाद हम गया गोनपा के अंदर में, और गोनपा में ऑलरेडी पूजा चल रहा था, वो पूजा भी कर रहा था ये छोटा मॉन्क लोग, आई थिंक प्रैक्टिस कर रहा था। और फिर हमने किया ये, आई नो आई एम नॉट डूइंग द प्रॉपर प्रोस्ट्रेशन, इसको करने का भी एक प्रॉपर वे होते हैं, हमको आइडिया नहीं है, पर अब सीख लेगा। हेलो ये जो दिख रहे आप लोगों को काफ़ी सुंदर सा, ये है हेल, नरक, दोजक। वहाँ पे जो लोग था उन लोगों ने बताया कि ये हेल है। आई एम श्योर इसके पीछे भी कुछ कहानी होगा कि क्यों इसको हेल कहा जाते हैं, हमको आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप लोगों को पता है तो बताइएगा कि क्यों इसको हेल कहा जाते हैं। यहाँ पर वेट कर रहे हैं अभी जो बाकी लोग था उन लोगों का, और काफ़ी ज़्यादा थक गया। हमने बोला था कि हम अच्छे से ब्लॉग करेगा पर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम। क्योंकि जब जैसे गाड़ी के अंदर हम जब घुसा तो हमको बहुत गंदा हेडेक हो रहा था, और साथ ही साथ पेट भी गड़बड़ हो रहा था। और जब पहुँचा वहाँ पर तो बहुत गर्मी था और बिल्कुल नहीं सक रहा था, बॉडी साथ नहीं दे रहा था, इसीलिए वीडियो लेना और फिर बात करना नहीं हो पाया। और ऐसे ही रुक रहे हैं अभी, अभी बोमदेरा पहुंचने ही वाला है। और जैसे कि हमने जो इंट्रोडक्शन वी पार्ट था उसमें बोला था कि हम पिकनिक जा रहे, क्योंकि हमको भी पता नहीं था कि एक्चुअल में हम लोग कहाँ जा रहे, क्योंकि रात को ही कॉल आया था घर से, बोला कि यहाँ जा रहे तो तुम जाएगा क्या, तो हमको लगा पिकनिक ही जाएगा यहाँ से, मतलब पिकनिक ही जा रहे, इसीलिए सुबह भी वही बोला। और हमको लगा कि शायद कोई जंगल में जाएगा फिर हम लोग खाना वाना ऐसे बना के, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लंच वंच पूरा पैक करके आया था घर से बना के, मतलब आमा लोग, और जो जगह था वहाँ पर मतलब ऐसे ही, मतलब इट वॉज मोर लाइक अ ट्रिप, अ शॉर्ट ट्रिप, तो वही था। और बहुत ज़्यादा इंसान था, आपने देखा होगा वीडियो पे, मतलब सब अपने ही गाँव का है। और आने के बाद काफ़ी थक गया था हम, इसीलिए व्लॉग भी एंड नहीं कर पाया, बस ये पिया और सो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।